भोपाल सहित प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के शाहजहानी पार्क स्थित रैन बसेरा पहुंचे, जहां सीएम ने रैन बसेरा में रह रहे लोगों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना। इस दौरान कुछ लोगों ने सीएम को अपनी बीमारियों के बारे में बताया है, जिस पर सीएम ने कलेक्टर को हेल्थ चेकअप कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं और रैन बसेरों में बेहतर व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने रैन बसेरे की रसोई में जाकर वहाँ भोजन की गुणवत्ता को टेस्ट कर परखा। आगे करो माइक। हमने निर्देश दिए हैं कि सर्दी से बचने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। आज शीत लहर की भी संभावनाएं हैं, सर्दी बढ़ गई है। यहाँ आज मैंने व्यवस्था देखी है, कुछ लोगों ने अलग अलग तरह की बीमारी बताई है, तो उनका कल चेकअप यहाँ होगा। सभी रैन बसेरों में मध्य प्रदेश में रात को चेकअप करेंगे, ताकि दिन में लोग काम करने जाते हैं, रात में वापस आते हैं, तो उनका प्रॉपर चेकअप हो सके। बाकी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रही, ये मैं देखने आया हूँ। जहाँ कोई कमी होगी उसको भी पूरा करेंगे। और सभी शहरों में जहाँ रैन बसेरे हैं, जनता रहती है, और सड़कों पे भी जहाँ आवश्यक है वहाँ अलाव का, आग का और ठंड से बचने का पूरा इंतजाम किया जाए।